गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों मैं केडी शिवम। दोस्तों आज हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। हाँ दोस्तों, उनमें से मैं भी एक हूँ। ये जो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ शायद किसी को काम आ जाए अपनों को बचाने में। हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना एक वायरल डिसीज़ के साथ साथ एक मानसिक बीमारी है, एक मेंटल डिसीज़ है। यस, इट ब्रेक्स मेंटली फर्स्ट देन फिजिकली। फिर से कहता हूँ, वो आपको मेंटली ब्रेक पहले करता है फिर फिजिकली करता है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस COVID-19 से फाइट करना है तो। और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है इससे पीड़ित तो उनका मोरल बूस्ट करना वो आपका कर्तव्य है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्रीज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट देयर मोरल अप। यस, मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी पेन, फीवर, टेस्ट खोना, ऐसा कोई भी सिम्टम दिखें तुरंत आप अपना इलाज शुरू कर दें। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह के इस COVID-19 के साथ फाइट करेंगे तो आप 100% जीतोगे। लेकिन अगर आपने इग्नोर किया, जैसे जैसे आपका COVID-19 का इफ़ेक्ट बढ़ता जाएगा आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, और फिर हॉस्पिटल में आपका लोनलीनेस आपको मेंटली ब्रेक करेगा। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट एवरीवन, स्टार्ट योर मेडिसिंस और केयर फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम इटसेल्फ। राइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन लेके ही सिम्टम्स को क्योर करें। आप काढ़ा ले सकते हो, आप स्टीम ले सकते हो, राइट, बहुत सारे हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। किसी भी तरह अपने आप को स्वस्थ करो, स्वस्थ रखो, फाइट करो उस सिम्टम से, क्योर दैट सिम्टम, ओवरकम दैट सिम्टम। राइट, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से दैट द मोमेंट यू कम और यू फेस द सिम्टम स्टार्ट टेकिंग केयर, या तो मेडिसिन से या तो होमली ट्रीटमेंट से। माई सेकेंड पॉइंट, हाउ टू अवॉइड कोरोना, कोरोना आने से कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो, बी विथ योर फैमिली। अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ रहने से आपका मोरल बूस्ट होता है। यस, दिस इज द रीज़न। इम्यूनिटी इज नथिंग बट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो फैमिली के साथ रहिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए, ये काढ़ा, ये पुदीना के पत्ते, तुलसी के पत्ते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये COVID-19 को क्योर करेगा, लेकिन बहुत सारे रोगों को अवॉइड करेगा। राइट, ये सब जानते हैं। फिर बॉडी मूवमेंट, यस, एक जगह पे बैठे मत रहिए, बॉडी मूवमेंट। पेट, आपके घर पे अगर पेट है तो उसके साथ खेलिए, बच्चों के साथ खेलिए, चलते रहिए, गैलरी में वॉक कीजिए, कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट करते रहिए, घर का काम कीजिए, एंड दिस विल कीप यू फिट। तो द बेसिक थिंग इज फिटनेस, हेल्थ, सो बी हेल्दी एंड बी सेफ। माई सेकेंड पॉइंट टू दोस हु हैव बिकम कोविड पॉजिटिव, तो माय पर्सनल सजेशन इज टू टेक होम केयर। राइट, होम केयर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि आपके आसपास अपने रहते हैं, भले वो आपके आसपास नहीं हुए लेकिन आपके घर के दूर से भी आप देख सकते हैं, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मॉरल अप होगा। दूसरी बात, आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो भी मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो डॉक्टर्स हैं
जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो है, ये सारे सिर्फ 50% काम करते हैं, और 50% आपका मेंटल हेल्थ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर से दोस्तों वापस दोहरा रहा हूँ, 50% आपका मेंटल स्ट्रेंथ एंड 50% मेडिसिन काम करता है। तो आप अगर अपने आप से हार गए तभी ये कोरोना आपसे जीत पाएगा। तो नेवर लेट डाउन योरसेल्फ, राइट, नेवर लेट डाउन योरसेल्फ, कीप फाइटिंग, यू फाइट फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, यू फाइट फॉर योरसेल्फ, यू फाइट फॉर योर डियर वंस, दिस इज व्हाट यू नीड। और मैं बाकी फैमिली मेम्बर्स से ये कहूँगा कि कैसे भी करके अपने जो हॉस्पिटलाइज मेम्बर हैं उनको अपना चेहरा दिखाते रहिए, पीपी किट पहन के भी, डॉक्टर से परमिशन लेके भी, उनके पास भले दूर से ही सही उनको अपना चेहरा दिखाते आइए। क्योंकि जब वो अपनों को देखते हैं ना तो एक उनको पर्पस दिखाई देता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सारे डॉक्टर्स और मेडिकल अथॉरिटी से भी निवेदन करूँगा कि प्लीज़ अलाउ देयर फैमिली मेम्बर्स टू जस्ट हैव अ लुक, दैट मे हेल्प टू क्योर द पेशेंट। आई मे बी राइट और नॉट, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। तीसरी बात, हॉस्पिटल में भी आप लेटे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ प्राणायाम जैसा कुछ करते रहना है, राइट। जैसे भी करके आप लंग्स एक्सरसाइज करते रहिए, जैसे वो लंग्स ट्विस्टर जो आता है, जो बॉल गेम आता है, वो कुछ ना कुछ करते रहिए। हार मत मानो, कीप फाइटिंग टिल द लास्ट मोमेंट एंड यू कैन विन, यू आर अ विनर, यू आर अ बॉर्न विनर, दैट्स अ थिंग, राइट, कीप फाइटिंग। और दोस्तों मैं आखिर में मैंने जो सीखा वो कहूँगा कि ये पैसे तो बहुत कमाए लेकिन पैसा कहीं काम नहीं आया, लेकिन जो रिश्ते मैंने कमाए थे, जो दोस्तों को मैंने कमाया था, जो रिलेशंस मैंने कमाए, वो सारे मुझे काम आए। सो ट्राई टू अर्न रिलेशंस देन टू मनी, ये पैसा कुछ हद तक ही काम आता है लेकिन इंसान आपको लास्ट तक काम आता है। ओके, सो बी सेफ, बी हेल्थी, लेट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना। ओके, हैव अ नाइस डे।